बुरांस का फूल जो उत्तराखंड की रंगत में रंग बिखेरता है, और अब बुरांस का ये फूल पहाड़ों की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। जी हाँ, देहरादून के विकास नगर का ये मामला, जहाँ पर आजीविका मिशन में रजिस्टर्ड जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह ग्राम उत्पलता के तून धार की महिलाएं इन दिनों बुरांस का जूस तैयार कर रही हैं। इस जूस की डिमांड कई बड़े बड़े शहरों से बढ़ रही है। जूस की डिमांड बढ़ने से अब महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। बुरांस के फूल को यहाँ की महिलाओं ने आजीविका का आधार बना लिया। बता दें कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला प्राकृतिक फूल बुरांस का ये पेड़ कई मायनों में अहम है। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। इन दिनों इन बुरांस के फूलों से कई लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं, और इसी कड़ी में ये महिलाएं यहाँ पर अपने जीवन को और आगे बढ़ाती हुई, आत्मनिर्भर बनती हुई दिख रही हैं। बुरांस के फूलों को इकट्ठा कर ये फूलों की छटाई करती हैं और फिर उसके बाद इसका जूस तैयार किया जाता है। बता दें कि बुरांस का ये फूल स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। फिलहाल जूस की डिमांड कई शहरों से आ रही है, जैसे चंडीगढ़, देहरादून, इसके साथ ही कई और बड़े भी शहर हैं जो इसमें शामिल है। तो जहां एक तरफ देहरादून के विकास नगर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बुरांस का ये फूल बना रहा है, तो वहीं नैनीताल की भी कुछ ऐसी ही महिलाएं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताए जाने वाले इस बुरांस के फूल को लोगों के बीच उसके जूस को पहुंचा रही हैं। यहां पर भी रामगढ़ ब्लॉक की रमा बिष्ट ने ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का इसी माध्यम बनाया है। रमा 20 से ज्यादा गाँव की महिलाओं से बुरांस के फूल खरीद रही है, जिससे वो जैम, चटनी, जूस, इसके साथ ही कई और चीजें भी तैयार कराकर बाजारों में उपलब्ध करा रही हैं। बुरांस का ये फूल स्वरोजगार के तौर पर देखा जाए तो भले ही 2 से 3 महीने के लिए सीमित है, लेकिन महिलाओं के लिए ये एक उम्मीद जगाने वाला है। आपको बता दें कि नथुवा खान की रमा ने 2003 में स्वरोजगार की दिशा में काम शुरू किया। शुरुआत बागवानी से हुई, फिर सेब, आड़ू, खुमानी, पुलम और इसके साथ ही कई प्रजाति के फलदार पौधों का बाग तैयार किया। कुछ साल बाद मुहिम को आगे बढ़ाया। अब रमा ने अपने बगीचे के अलावा आसपास के गांवों से फल खरीदने शुरू किए। फलों को प्रोसेसिंग कर कीवी, सेब, आड़ू, पुलम से जैम, चटनी और स्क्वाश तैयार किया। फिर बुरांस के फूलों से स्क्वाश और जूस बनाना शुरू किया। अब हर्बल चाय, गुलाब जल भी तैयार कर रही हैं। बता दें कि रमा का सारा काम हाथों से होता है। इसके लिए हर मौसम में रमा को 8 से 10 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराना होता है। आसपास के गांव की बात करें तो 50 से 60 लोग अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार की मुहिम से जुड़े हुए हैं। रमा इन सामानों को बाजार के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी बेचती हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 2 वर्ष कारोबार काफी प्रभावित रहा, लेकिन इसके बाद भी रमा ने हौसला नहीं छोड़ा और अब फिर से एक बार गति पकड़ ली है। उनका कहना है कि नौकरी कम हो रही है और ऐसे में महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार आय का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।